मैं आज का अपना स्टडी ब्लॉग एक सॉन्ग से डेडिकेट करना चाहूँगी। तुझ में रात में, तुझ में दिन मेरे, लम्हा न जियूं मैं तो बिन तेरे। टुडे आई विल टेल यू अबाउट सच अ बुक। बिफोर एंटरिंग इन टुडेज टॉपिक, I want to say something every UPSC aspirant, they questions themselves. I repeat, every UPSC aspirant, they questions themselves, why I want to become an IAS. मैं क्यों IAS बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ? इसका आपको आंसर अगर मालूम होगा तभी आप इस बुक को समझ पाएंगे। Only then will for be able to understand the things mentioned in this book. So, without wasting any time, so if you have an interest making a mehndi in hand or leg, what is it like to tell in the comment? And boys who are watching my video who do not like, so please don't be angry. So I will talk to you about this book, Prashasanik Chintak, Dr. Vijay Agrawal. Today this book is in Hindi. I will use this, speak both in English and Hindi. So, ये book मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इस book से आप समझ पाएंगे administrative work को। सो इस बुक में है प्रशासनिक चिंतक, रिटन बाय डॉक्टर विजय अग्रवाल। इसमें इन्होंने बताया है कि यह पुस्तक क्यों उन्होंने ये पुस्तक लिखा है, उसका रीज़न उन्होंने बताया। सो मैं आपको ये पढ़ के नहीं बताऊंगी, मैं आपको इसका PDF भेज दूंगी। मैं चाहूंगी कि आप ये खुद से ट्राई करें और ख़ुद से पढ़ें इसको, ये पेज और ये पेज मैं आपको यहाँ सेंड करूँगी। और इधर ईमेल है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये मैं अभी आपको नहीं बताऊँगी, वीडियो के कुछ देर बाद बताऊँगी आपको मैं। सो आप वीडियो पे बने रहें। सो इन दिस बुक हियर इंडेक्स इज गिवन दैट चिंतक को समझे पहले, चाणक्य नीति, वुड्रो विल्सन वैज्ञानिक प्रबंधन, फेडरिक विंसलो ट्रेलर, हेनरी फायो, लूथर गोलिक एंड सो ऑन, इस तरह है यहाँ। सो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है चिंतक को समझे पहले, सो इसमें जो बताया है डॉक्टर विजय अग्रवाल सर ने, मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ और मैं उनकी फॉलोअर्स हूँ। मैं उनके करंट अफेयर्स, उनके न्यूज़ क्लिपिंग्स, करंट अफेयर्स ऑडियो लेक्चर्स में सब कुछ सुनती हूँ, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। इनके वेबसाइट्स बहुत यूज़फुल हैं आपके लिए, आपको वो हेल्प मिलेगा। उस इस पेज का भी PDF मैं आपको सेंड करूँगी, बहुत ज़्यादा ये तो ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर विजय अग्रवाल ने क्या सोचा और क्यों उन्होंने इसके बारे में विचार किया है, क्यों इस बुक को लिखे हैं, उसको उन्होंने यहाँ लिखा है। तो मैं इस पेज का PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इसको आप पढ़िएगा। बट मैं अभी आपको बताना चाहूँगी कि आप इसमें से चाणक्य नीति को मैं आपको समझाऊंगी और पढ़ के भी बताऊंगी, और क्या क्या उसमें से बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस बुक से, वो मैं सिर्फ आपको बताऊंगी, उस पर फोकस करूंगी। सो ऑलरेडी मैं पढ़ चुकी हूँ और मैं ये इसको आपको शेयर कर रही हूँ। चाणक्य क्या मानना था अर्थशास्त्र में, उनका क्या योगदान था चाणक्य का, वो इस लेसन में है। इस बुक का रिव्यू मैं दिखाती हूँ, फ्रंट पेज से ये दिखता है इस तरह और ये पीछे इस तरह। ये हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल जिन्होंने इस बुक को लिखा है। इसका प्राइस रेट है 275, बट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा 240 या 250 में मिल जाएगा। मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया है।
सो मैं चाहती हूँ आप भी इसको पढ़ें। आप जानते ही होंगे चाणक्य के बारे में। सो मैं ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं और ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, मैं सीधे आपको पढ़ के बताती हूँ। यदि हम भारत के ज्ञात इतिहास को सिंधु घाटी की सभ्यता से माने तो भारत लगभग 4000 साल की प्रशासनिक यात्रा कर चुका है, जिसे भारत का प्रशासनिक इतिहास कहा जा सकता है। इस यात्रा के सबसे प्रमुख तीन पड़ाव माने जाते हैं। इसका पहला पड़ाव मौर्य साम्राज्य का प्रशासन है, जिसे प्राचीन भारत के अंतर्गत रखा गया। दूसरा पड़ाव मुगलकालीन प्रशासन है, जिसे हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस काल का प्रशासन इससे पूर्व के विशुद्ध भारतीय प्रशासन से इस अर्थ में थोड़ा भिन्न था कि इस काल के प्रशासकों ने भारत में पहले से ही स्थापित प्रशासनिक प्रणाली में मध्य एशिया की मंगोल तथा तैमूर की परंपराओं का मिश्रण करके एक नई प्रशासनिक प्रणाली को जन्म दिया। तीसरा पड़ाव अंग्रेजों के आगमन का है, इसे हम आंग्ल प्रशासन कह सकते हैं या आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आता है। सो मैंने जितना पढ़ा मुझे ये पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे और मुझे इम्पोर्टेंट लगे, जिसको मुझे अपने माइंड में रखना चाहिए। सो उसके बाद इसमें बताया गया है भारत के ये तीनों प्रशासनिक व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, क्या दर्शाते हैं वो, क्या प्रदर्शित करते हैं वो आगे दिया गया है। फिर उसके आगे हम अगर देखें तो, लेकिन यहाँ हमारा मुख्य सरोकार मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य से है, जिन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास के अनुसार कौटिल्य तक्षशिला में उस समय आचार्य थे जब चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ अध्ययन कर रहे थे। मगध का रामगुप्त न केवल अत्याचारी शासक ही था बल्कि अनाचारी भी था। कहा जाता है कि कौटिल्य के पिता को स्वयं की नीतियों के विरोध में पाकर रामगुप्त ने उनकी हत्या करा दी थी। इसकी फलस्वरूप चाणक्य के मन में रामगुप्त से प्रतिशोध लेने की ज्वाला भड़क रही थी। ऐसे में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसे तैयार करके वे रामगुप्त को बदला ले सकें। तक्षशिला के विद्यार्थी चंद्रगुप्त मौर्य में इसमें हमें कौटिल्य के विचारों को समझने के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु प्राप्त होते हैं वे हैं, तत्कालीन शासक रामगुप्त का विरोधी होना बताता है कि वे निरंकुश राजा को पसंद नहीं करते थे। रामगुप्त व्यभिचारी भी था, चाणक्य को यह बात पसंद नहीं थी, यानी कि वे चरित्रवान राजा के समर्थक थे। चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाना राज्य संबंधी उनकी उच्च महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करता है, अर्थात वे बड़े राज्यों के समर्थक थे। तत्कालीन युग राजतंत्रात्मक था, फलस्वरूप उन्हें अपनी व्यवस्था इसी राजनीतिक प्रणाली को सुदृढ़ सक्षम एवं दीर्घकालिक बनाने की दृष्टि से करनी थी। बड़े साम्राज्य का संचालन नौकरशाह वर्ग के बिना संभव नहीं था, फलस्वरूप उन्हें इस पर भी कुछ कहना पड़ा। साम्राज्य का अर्थ है कई राज्यों का किसी एक राज्य में विलय होना। विलय मतलब आपको पता है, घुलना। ऐसी स्थिति में इस बात पर भी विचार करना था कि राजा की विदेश नीति कैसी होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है कि कौटिल्य ने क्या लिखा है, उनका क्या रोल है, आखिर हम उनके बारे में यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने ही बताया था अर्थशास्त्र का अर्थ, अर्थशास्त्र का रचना उन्होंने ही किया था। यह माना जाता है कि कौटिल्य ने अपने महान ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना ईसा पूर्व से लेकर 296 ईसा पूर्व के बीच की होगी। यही काल चंद्रगुप्त मौर्य का शासक काल है।
कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार के रूप में काम करते थे। यह बात कम महत्वपूर्ण नहीं है कि इतने महान एवं शक्तिशाली शासक के गुरु किंग मेकर, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए, किंग मेकर होने के बावजूद चाणक्य नगर के बाहर एक सामान्य में मकान में रहते थे। उन्होंने बहुत ही सरल और सादगी में भरा जीवन जिया। उनसे जुड़ी कथाओं में देशभक्ति एवं सत्यनिष्ठा के अद्भुत संदेश प्राप्त होते हैं, यानी कि आचरण की दृष्टि से वे प्राचीन भारत के महानतम विचारकों में शामिल किए जा सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैं इसको चैप्टर को पूरा पढ़ूंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सो जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा है मैं उसको आपको पढ़ के बता देती हूँ, और जो भी आपको इसकी मीनिंग नहीं समझ में आ रही हो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और इसका PDF मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप एक एक चैप्टर वाइज आप पढ़ लीजिए, मैं पूरी बुक का रिव्यू दूंगी आपको। यह कहना गलत नहीं होगा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र न केवल भारत का ही बल्कि विश्व के राजनीति विज्ञान का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। यद्यपि इससे पूर्व यूनान में प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथ आ चुके थे, किंतु उनमें प्रशासनिक कार्यकलापों का वह विस्तृत वर्णन नहीं मिलता जो कौटिल्य के इस ग्रंथ में मिलता है। प्लेटो ने जहाँ अपने ग्रंथ का नाम पॉलिटिक्स रखा था, वहीं कौटिल्य ने राजकीय व्यवस्थाओं का निर्देशन करने वाले अपने ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र क्यों रखा? आखिर अर्थशास्त्र नाम क्यों पड़ा? इसका कौटिल्य ने स्वयं अपने ग्रंथ के 15वें अधिकरण में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं और मनुष्य के युक्ति भूमि का नाम भी अर्थ है। इसीलिए इस भूमि को प्राप्त करने और उसकी रक्षा करने के उपाय का निरूपण करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। यह ग्रंथ 15 अधिकरणों खंडों में विभक्त है। इसके पहले, दूसरे, पांचवे और छठवें खंड लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए उपयुक्त हैं। आरंभ के 5 खंडों में राज्य के आंतरिक प्रशासन की चर्चा की गई है। छठे खंड में कौटिल्य ने राजा के 7 तत्वों का के बारे में बताया। 7वें खंड का संबंध विदेश नीति से तथा 11वें खंड का संबंध कूटनीति से है। आप इसके आगे भी आप पढ़िएगा। फिर उसके बाद जब मैंने पढ़ा तो राज्य की उत्पत्ति क्या है, जिस तरह कौटिल्य मनुष्य स्वभाव के गहरे पार की थे, मनुष्य में काम, क्रोध, मद, लोभ, मान और हर्ष जैसे 6 विकार पाए जाते हैं। कौटिल्य ने इसे षड वर्ग कहा है। ऐसे समाज का निर्माण होता है जिसमें बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल जाना चाहती हैं। आप इसकी आगे पढ़िएगा। फिर सप्तांग सिद्धांत क्या है, राजा एवं राजतंत्रीय व्यवस्था क्या है, ये देखिए ये बहुत लंबा हो गया है। आमात्य क्या होगा, क्या होता है, जनपद, जनसंख्या एवं भूमि, दुर्ग, कोष, इसका मैं आपको बता देती हूँ। अनुसार कौटिल्य के अनुसार जनपद, जनपद मतलब आपको पता ही होगा जिला, में पहला गुण यह होना चाहिए कि उसकी एक निश्चित सीमा हो, उसके मध्य में दुर्ग हो। अब दुर्ग क्या है उसको यहाँ पर व्याख्या किया गया है। ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, मैं इसका PDF दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। यहाँ तक ये चाणक्य कथा, और I'm sorry to say you, अगर मेरी हिंदी में आपको थोड़ी बहुत ना समझ में आता हो प्लीज़ डोंट माइंड। वो मैंने 10th तक CBSE बोर्ड में हिंदी पढ़ा था, फिर उसके बाद 11th से मैंने छोड़ दिया, तो हिंदी मैंने छोड़ दिया तो थोड़ा मेरा इंटरेस्ट भी बहुत कम होता था हिंदी में।
प्लीज़ डोंट माइंड, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो आप उसको माफ़ कर देना, ओके। बिफोर एंडिंग माई वीडियो आई वॉन्ट टू से समथिंग। इन माई ओपिनियन यू शुड बिलीव ऑन स्मार्ट वर्क देन हार्ड वर्क, बिकॉज योर स्मार्ट वर्क इज द कंपाइलेशन ऑफ हार्ड वर्क। आई बिलीव इन दीज थॉट्स। एंड लास्टली मैं ये कहूँगी, अगर आपको मेरा स्टडी ब्लॉग्स और मेरे रिसोर्सेज क्या हैं वो आपको जानना है तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसका भी वीडियो अपलोड करूँगी। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको कुछ वेबसाइट बताऊँगी जो कि ये विजय अग्रवाल सर का ही है, www.vijayagrawal.com, www.afeias.com, ये वेबसाइट है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है, मैं इसका वेबसाइट आपको लिंक में दे दूँगी, इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो मैं आपको इस वेबसाइट को ओपन करके हर चीज़ आपको समझाऊँगी और ये भी बताऊँगी कि आपके लिए क्या यूज़फुल है इसमें।